तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए यहाँ से सब्सक्राइब और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों बात आज हम करेंगे एडमिशन, कॉलेज एडमिशन 2020-21 के ई प्रवेश के। दोस्तों आपका एडमिशन भी हो गया, आपने फीस भी भर दी आपका, लेकिन अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुए, तो आज हम आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट जमा कब से कब तक होना है। और एक चीज़ का विशेष तौर पर रखना है आपको ध्यान, यदि आपके डॉक्यूमेंट इस डेट तक नहीं हुए जमा, तो हो जाएगा आपका एडमिशन कैंसिल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कॉलेज ने चीफ द सीधा साफ नया आदेश जारी किया है कि यदि आप इस डेट तक, आखिरी डेट तक आप जमा नहीं करेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में, आपको सभी को पता है जिसमें TC माइग्रेशन मेन होता है, बाकी नॉर्मल जो आपकी फोटोस्कॉपी होती है वो आपको लगाना पड़ती है, TC माइग्रेशन आपके ओरिजिनल ही लगेंगे, आपको जमा करना है। साथ ही आपको फीस की रसीद जमा करना है, जो भी आपके डाटा है, जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको जमा करना है। इसके बाद ही दोस्तों आप यहाँ पर बाकी चीज़ों के लिए एलिजिबिलिटी रहेगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, हम आपके लिए सारी जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ पर आपको सर्कुलर मिल जाना है, सर्कुलर से दोस्तों यहाँ पर पुराने दस्तावेज में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर सभी प्रकार का डाटा, सारी जानकारी दोस्तों यहीं से आपको अपडेटेड होती रहती है। मैं भी यहीं से दोस्तों यहाँ पर अपडेटेड करता रहता हूँ, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हम हैं, हम आपके लिए सारी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल कराते जाएंगे। तो आपको केवल करना इतना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, क्योंकि हम जब भी नया वीडियो बनाते हैं तब सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों तो बात करते हैं, तो दोस्तों ये है आपके लिए नोटिफिकेशन जिसमें सभी जानकारी दी गई है। सभी प्राचार्य, समस्त शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय निजी अशासकीय महाविद्यालय मध्य प्रदेश 2020-21 के अंतर्गत स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं विषय पाठ्यक्रम संकाय में परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब आपको मिलेंगे यहाँ से सब्जेक्ट उन कैंडिडेट के लिए जिन्हें अभी तक कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिला है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, आपको एक एक चीज एज इट इज हम आपको समझाएंगे, तो आपको बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करें, प्रदेश के शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय निजी अशासकीय महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम में ऑनलाइन प्रवेश हेतु राज्य शासन द्वारा प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत की कंडिका 2.3.1 एवं 2.3.5 के अनुक्रमांक में दिनांक 18/11 से 18 नवंबर 2020 से दिनांक 12/12/2020 तक प्रवेश प्राप्त करने वाले समस्त आवेदक संबंधित शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय निजी अशासकीय महाविद्यालय उपस्थित होकर, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर उपस्थित होकर मतलब कि मैनुअली आपको स्वयं जाकर मूल TC माइग्रेशन एवं अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कराकर दस्तावेज महाविद्यालय में जमा करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है। निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज जमा न करने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। तो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, डेट का आप ध्यान रखिए, 18 नवंबर से 12 दिसंबर 2020 तक आपको TC और माइग्रेशन करना है जमा। बात करें दोस्तों यहां पर थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में भी आपको कुछ जानकारी दी गई है, प्रवेश नियम मार्गदर्शी सिद्धांत कंडिका 2.3.6 के अनुक्रमांक के स्नातकोत्तर या स्नातक कला संकाय के समस्त आवेदकों के लिए अनिवार्य होगा कि 18/11/2020 से 12/11/2020 तक सीट
संख्या के आधार पर विषय समूह का चयन करते हुए संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर विषय समूह की जानकारी अध्ययन करेंगे। संबंधित शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय निजी शासकीय महाविद्यालय ऐसे आवेदकों की जानकारी निर्धारित समय सीमा में पोर्टल पर अध्ययन करना सुनिश्चित करेंगे। तो बीए वाले कैंडिडेटों के लिए जिनके सब्जेक्ट अभी नहीं मिले हैं उनके लिए यहाँ पर 18 से 12 तक जाना रहेगा जरूरी, तभी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ राउंड में, फोर्थ जो पैरा दिया है प्रवेश नियम मार्गदर्शी सिद्धांत की कंडिका 15.6 के अनुक्रमांक में महाविद्यालय स्तर पर पात्रता अनुसार विषय पाठ्यक्रम संकाय हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन अनुचित सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार उपलब्ध रिक्त स्थानों पर पात्रता गुणन क्रमानुसार उल्लंघन न होने की शर्त पर केवल प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 18-11 जी हाँ दोस्तों जिनका एडमिशन हो चुका है 18-11 से 12-12 तक विषय पाठ्यक्रम संकाय परिवर्तित किए जा सकेंगे। जो कैंडिडेट यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पर 18 से 12 तक ही यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। इस संबंध में महाविद्यालय द्वारा विधिवत सूचना प्रसारित कर प्राप्त आदेश अनुसार कार्यवाही की जाना, इस अवधि में किसी भी प्रकार का नवीन प्रवेश मान्य नहीं होगा। नवीन प्रवेश के लिए दोस्तों मैंने नया वीडियो बनाया है जो कि आप अभी देख सकते हैं, उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर ये दो वीडियो मैंने आपको बना के दिए, यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी अपडेटेड कराई है। अब बात करते हैं दोस्तों फिफ्थ में, तो स्नातक प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में प्रवेश हित विद्यार्थी द्वारा चयन की गई छात्रवृत्ति हितग्राही योजना के में दिनांक 18/11/2020 से 28/11 तक पात्रता अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। छात्रवृत्ति हितग्राही योजना में परिवर्तन महाविद्यालय के हेल्प सेंटर के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में किया जा सकता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि वो कैंडिडेट जिन्होंने गलती से एडमिशन या गलती से उन्होंने एडमिशन ले लिया है मेधावी में या फिर ले लिया है आपका जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत, लेकिन आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं या फिर आप इनके अनुसार इनको इन एडमिशन में नहीं लेना चाहते हैं, गलती से आपका एडमिशन यहाँ पर हो चुका है, तो आप यहाँ पर पलटी मार सकते हैं, मतलब कि आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मेधावी वाले यहाँ पर नॉन मेधावी हो सकते हैं और जन कल्याण संबल योजना वाले हो सकते हैं यहाँ पर नॉन जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत। आप यहाँ पर फीस या बाकी जानकारी हेल्प सेंटर से करा सकते हैं, जिसकी दोस्तों यहाँ पर जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, उपरोक्त आदेश अनुसार रहेगी, कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और साथ ही दोस्तों ये सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको देख सकते हैं ये सारी जानकारी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कर लेना चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना दोस्तों यहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो, क्योंकि मैं इसी तरीके से नई नई प्रकार की जानकारी आपको लाता रहता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, जय हिंद।